अब उसके आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, उसके आगे कुछ अलग चीजें हैं जो कि मैं आपको अलग वीडियो में बताना चाहती थी। वो देखिए, संख्यावाचक शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। यहाँ पर जैसे गिनतियां हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, तो इनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कैसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले पुल्लिंग, एका, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम, द्व, द्वे, द्वे, त्रया, तिस्त्रा, त्रीडी, चत्वारा, चतस्त्रा, चत्वारी, पांच, पंच, छः, षट, सात, सप्त, आठ, अष्ट, नौ, नव, दस, दस, ग्यारह, एकादश, बारह, द्वादश, तेरह, त्रयोदश, चौदह, चतुर्दश, पंद्रह, पंचदश, सोलह, षोडश, सत्रह, सप्तदश, अठारह, अष्टादश, उन्नीस, एकोनविंशति, बीस, विंशति, इक्कीस, एकविंशति, बाईस, द्वाविंशति, उनतीस, एकोन त्रिंशत, तीस, त्रिंशत, इकतीस, एक त्रिंशत, चालीस, चत्वारिंशत, पचास, पंचाशत, साठ, षष्ठी। इसके बाद है बारह महीनों के नाम पुल्लिंग, चैत्रा, वैशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, श्रावणा, भाद्रपद्रा, अश्विना, कार्तिका, मार्गशीर्षा, पौषा, माघा, फाल्गुना। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। पक्षों के नाम पुल्लिंग, पक्ष, चांदनी, पाख, जिन 15 दिनों में शाम के समय चांद होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। शाम के समय आपको चांद दिखाई देता है तो वो शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। अंधेरा पाक, दूसरे 15 दिन, जिन दिनों में शाम के समय चांद नहीं होता है, रात में आपको चांद नहीं दिख रहा आसमान में, तो वो क्या है, वो कृष्ण पक्ष चल रहे हैं।